महासमुंद में दिव्यांगों के लिए संचालित दिव्यांग सहायक उपकरण प्रदाय योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा और अधिकारियों की लापरवाही का आलम तो ये है कि दिव्यांग एक साल से भी ज्यादा वक्त से आवेदन देने के बाद सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें जरूरत के जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। साल 2014 के सर्वे के मुताबिक महासमुंद जिले में 12,500 से ज्यादा दिव्यांग हैं। समाज कल्याण विभाग के बाद भी आज तक दिव्यांगों को उपकरण ही उपलब्ध नहीं हो पाए और इस पूरे मामले में समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि वो हाल ही में पदस्थ हुए हैं और ये तो रोना है कि जब भी किसी जिम्मेदार से पूछो तो वो हाल ही में पदस्थ हो जाता है, लेकिन जल्द ही दिव्यांगों की तमाम समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। जिले में है या नहीं ये प्रॉब्लम नहीं जानते, लेकिन हमारे महासमुंद में प्रॉब्लम ये है कि समाज कल्याण में पर्ची जमा करने जाते हैं, जमा कर लेते हैं, ऊपर से आएगा तब देंगे, ऊपर से आएगा तब देंगे बोलते हैं, और साल भर से ज्यादा हो गया, ऊपर कौन सा ऊपर से आएगा तब देगा ये आज तक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हम लोग का एक ही फरियाद है और एक के साथ दो फरियाद है, जैसे कि पहला तो आने जाने की समस्या पहली चीज, दूसरी चीज ये कि हम लोग का आय का साधन, ये दो चीज बहुत बड़ी दिक्कत है हम दिव्यांग लोगों के लिए। काफी जो दिव्यांग हैं उनके आवेदन पत्र प्राप्त हुए लगभग 128 हैं और पूर्व के जो पेंडिंग जो आवेदन थे वो लगभग 237 लोग हैं, तो उनको अभी खरीदी की प्रोसेस नहीं हुई होगी इस कारण से लटका हुआ होगा और एलिम्को के द्वारा अभी हम जो है 128 लोग को। रेखराज साहू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रेखराज, कौन बैठा है ऊपर और क्यों नहीं आ रहे ऊपर से? जिस तरह से दिव्यांगों ने भी सवाल किया कि एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन जो आवेदन दिए गए थे, जो समस्याएं थी वो आज तक हल नहीं हो पाई। जी बताना चाहूंगा कि दिव्यांगों के द्वारा एक वर्ष से उपकरण प्रदाय करने के आवेदन देने के बावजूद भी दिव्यांगों को उपकरण नसीब नहीं हो रहा है और दिव्यांग जब आवेदन देने के लिए विभाग तक पहुंचते हैं तो विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऊपर से अभी तक जो है उपकरण की सूची हमारे पास नहीं आया है और जिस तरीके से जो दिव्यांग जन बता रहे थे कि उपकरण नहीं मिलने से हमें परेशानी होती है, साथ ही साथ ये तलाश करने में जुटे हुए हैं सभी दिव्यांग कि ऊपर में कौन ऐसा अधिकारी बैठा है जो अभी तक निर्देशित नहीं कर रहा है, हमारी परेशानियों का जो है उनको ख्याल नहीं है और हमें पूरे साल भर से चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। लापरवाही की भेंट चल रही है दिव्यांगों के लिए बनी हुई यह योजना। हमारे सहयोगी भी रेखराज बता रहे थे कि इंतजार करते करते तमाम दिव्यांग अब थक गए हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, 237 आवेदन दिए गए थे लेकिन एक भी आवेदन की जो आपको बता दें उसमें जो लिखा गया था कि भाई उनको क्या दिक्कतें हैं, श्रवण यंत्र चाहिए किसी को ट्राई साइकिल चाहिए, किसी को बैसाखी चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, किसी को भी आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया। और साथ ही उन्होंने अपने रोजगार की भी समस्या का जिक्र किया कि रोजगार एक बड़ी समस्या है लेकिन किसी का जिम्मेदारों का ध्यान ही नहीं। मुंगेली में बाजारों में दिवाली के त्योहार की रौनक देखने को